राम राम महादेव। दोस्तों कैसे आप सब लोग, सो आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों सुबह के 4 बजे के सारे ज़रूरी काम करके हम आ गए हैं अपने ग्राउंड पे। तो आज मैं अपने मनपसंद ग्राउंड पे नहीं हूँ, आज मैं अपने उस ग्राउंड पे हूँ जिस पर कि मैं कई मेडल जीती थी। तो ये मेरे स्कूल का मेरा ग्राउंड है और आज हम इसमें टहल रहे हैं। हम काफ़ी अंधेरे में ही आ गए थे, इसलिए हम जंगल वाले ग्राउंड में नहीं गए हैं। तो चलिए फिर, हमने इसमें इसकी कई राउंड लगा लिए हैं और अब इन अनु के पापा रनिंग कर रहे हैं। तो रनिंग करते हुए अब हम चल रहे हैं घर। बता दें आज बाइक से नहीं, हम पैदल ही गए थे ग्राउंड पे और पैदल ही आ रहे हैं। तो भैया घर आके मेरा सबसे पहला काम होता है सबकी चोटी करना। तो टिफिन हम बना के गए थे, बच्चे टिफिन कर लिए हैं और अपना टिफिन पैक भी कर लिए हैं। तो फटाफट से बना देते हैं अनु लकी की चोटी और फिर ये लोग निकलते हैं स्कूल। बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद फिर हमने खाना बना लिए और कपड़े भी प्रेस कर लिए। अनु के पापा खाना भी खा लिए, तैयार हो लिए और ये खाना हम पैक कर दे रहे हैं अम्मा जी के लिए। तो जाते जाते ये वहाँ पे अम्मा जी को खाना देते हुए चले जाएंगे स्कूल। तो दोस्तों दोपहर के 12 बज गए हैं और हमने घर के सारे काम वगैरह सब करके खाना वाना खा के तैयार हो गए हैं। हम जा रहे हैं ना तनी डॉक्टर के यहाँ। कहे से यार, हमारा ना ही कंधा एकदम तंग कर दिया है और हमारा कमर, ये हम आपको बता रहे हैं, हमारे सियाटिका की जो नर्स दबी है ना, ये एकदम से हमको तंग कर दी है। बहुत परेशान हो गए, हमारा दवाई वाई खाने का मन नहीं कर रहा है। लगभग 8-10 साल से दवाई खाए हैं, बीएचयू से भी दवाई खाए हैं, आयुर्वेद विभाग से, इधर उधर से भी दवाई करके एकदम थक गए हैं। आज हम जा रहे हैं ना, हमको एक नया डॉक्टर समझ में आया है। अभी चलते हैं, देखते हैं वो डॉक्टर के पास क्या सुविधा है, फिर आप लोगों को भी अपडेट हम देते रहेंगे। तो फिलहाल तैयार हो गए भैया, हमारा ये आउटफिट है, निकले तनी जाएं तो दवाई लेकर आए पहले हम। एकदम डोला नहीं जा रहा है, मैं काम लगा है, ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, छत पर चढ़ना पड़ा है, सीढ़ी पर घुटना एकदम दर्द कर रहा है, एकदम दिमकवा नहीं काम कर रहा है। मेरा बहुत मन करता है दौड़ने भागने का, चलने का, लेकिन हम चल ही नहीं पा रहे हैं। हम क्या करें, हम चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो अभी फिलहाल निकले, तो चलते चलते पहले जो है हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए मैं ये दाना और ये गुड़ ये दे देती हूँ। थोड़ा सा वो खा के पानी पी लेंगे और उसके बाद मैं चल रही हूँ, क्योंकि 12 के ऊपर हो गया है, 12:30 बज रहा है, तो क्योंकि हमको लेट होगा। तो हम चल रहे हैं, धूप तो बड़ा तगड़ा लग रहा है, सवेरे ठंडी लग रही थी और इस वक्त लेकिन धूप लग रहा है बहुत तेज। तो ये भैया हमारे यहाँ के महादेव, कर्दमेश्वर महादेव। आते जाते रास्ते में हमको महादेव मिलते रहते हैं, तो हर हर महादेव और पूरा बनारस तो महादेव का ही निवास स्थान है। तो चलते हैं और हम जा रहे हैं दरअसल आयुर्वेदिक दवा खाना। तो हम आ गए हैं यहाँ पे बजरंग आयुर्वेदिक एजेंसी। तो दरअसल हम आयुर्वेदिक डॉक्टर ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि मैं अंग्रेजी और होम्योपैथिक दवा खा के थक गई हूँ। एक बार मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तब मैंने आयुर्वेदिक दवा ही किए थे बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू से आयुर्वेदिक दवा किए थे, तो हमें काफ़ी आराम था। फिर जब ठीक हो गया तो हम बाद में छोड़ दिए, तो अब फिर से परेशानी मेरी बढ़ गई है। तो भैया आ गए हम घर, अरे बाबरे थक गए। डॉक्टर मिलेंगे शाम को 6 बजे, तो शाम को 6 बजे ही जाएंगे हम वहाँ से, मतलब डॉक्टर पता करने के बाद हम चले गए थे डिश टीवी वाले के यहाँ पता करने। टीवी आया है ना ऐसा रखा हुआ है, लगा के बस वो डिश टीवी इसमें लगवाएंगे, छतरी वगैरह लगवाएंगे तभी जाकर टीवी चलेगा, तो उसी के बारे में पता करने लगे। टीवी वहाँ लगवा दिए हैं, दीवार पे सामने दिख रहा है इसे पड़ा है, अभी इसका कोई सिस्टम नहीं लगा है कि टीवी चल सके, तो ही पता करने लगे थे। 2000 खर्चा बता रहे हैं कि 2000 में कंप्लीट जो है डिश टीवी छतरी वगैरह सब लग जाएगा। तो अभी चलते हैं, सोच रहे थे ऐसा आराम कर लें
उसके बाद फिर शाम को 6 बजे फिर आएंगे शिवम पापा स्कूल से, तो जाएंगे डॉक्टर के पास फिर से एक बार, देखे कौन से डॉक्टर है। पंचकर्मा के लिए बोल रहे थे कि पंचकर्मा वाले डॉक्टर आएंगे तो दिखाते हैं, हो सकता है कि पंचकर्मा से देखते हैं क्या होता है। अब जो होगा वो आपको हम बताते चलेंगे, प्यास लगाए थे पानी पी लें। तो दोस्तों इस वक्त शाम के 4 बज गए हैं और हमने थोड़े से आराम किए हैं। आराम क्या किए हैं, वीडियो एडिट कर रहे हैं। आराम करने का तो हम लोग के पास समय ही नहीं मिलता है, जो वो समय मिलता है उसमें मैं अपने वीडियो एडिट करती हूँ, आप लोग के कमेंट देखती हूँ और कुछ नया भी सीखती हूँ, तो मेरा वो समय उसी में चला गया। उसके बाद फिर हम देखिए लग गए हैं फिर से सारे बर्तन वगैरह धुलने में, तो अभी बर्तन धुलेंगे और उसके बाद फिर चाय वगैरह बनाएंगे। तो ये सारे काम मैं फटाफट से निपटा रही हूँ क्योंकि यही करते करते मुझे शाम हो जाएगा, दूध लेने जाना होगा और फिर आज तो मुझे दवा लेने भी जाना है। तो चाय लेकर आ गए हैं हम छत पे, काम खत्म हो गया है, मिस्त्री लोग चाय पीकर चले गए हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि हमारे छत पर का कितना काम कंप्लीट हुआ है। तो ये हमारा जो है इधर से छत जो है पूरा प्लास्टर हो गया है, ये सारे कबाड़ रखे हुए हैं, ये हम जाड़े में सब इसका उपयोग करेंगे, और इधर भी जो है प्लास्टर हो गया है, मतलब पूरा छत जो है देखिए प्लास्टर हो गया है। ये बन रहा है ऊपर बाथरूम छत पर, और इस पर हम टीन सेट रखने वाले हैं, इस पर टीन सेट रखेंगे ताकि यहाँ थोड़ा छांव हो जाए। इस पर हम टीन सेट रखने वाले हैं यहाँ तक कि छाया हो जाए, इधर से थोड़ी आड़ हो जाए। तो यहाँ मैं बनाऊँगी चूल्हा और मैं इस पर बनाऊँगी चूल्हे वाला खाना, मेरा बहुत मन करता है, मुझे अपने गांव की याद आती है, तो मैं यहाँ पे चूल्हे वाला खाना ज़रूर बनाऊँगी और जब बनाएंगे तो आपको ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल चाय पीते हैं और मुझे लेट हो रहा है दूध के लिए, और फिर हमें भी हॉस्पिटल भी जाना है। ये अन्नू भी आ गई जो है, अरे हमको जाना है डॉक्टर को दिखाने के लिए, जाएंगे अनु से पूछ लेते हैं। अनु को बढ़िया लग रहा है यहाँ का, अनु अब साफ सुथरा सब लग रहा है। अनु यहाँ पे फूल लगाने वाली है और सब्जियाँ बोने वाली है छत पे, मत जाओ। अरे नहीं नहीं जाना नहीं जाना नहीं, अभी जस्ट बना है। अरे उसे नाम तुम बहुत दुष्ट हो, हटो हटो, नाम मत लिखो, नाम मत लिखो। ये कहीं भी जहाँ भी बनता है कहीं भी रहेगी, अगर कुछ नया बना रहेगा वहाँ अपना नाम लिख कर आ जाती है। अरे नाम लिखना है तो ऐसे जगह लिखो ना जो दुनिया जाने, ऐसे यहाँ कोने में लिखने से क्या फ़ायदा, यहाँ कोने में लिख के क्या करोगी, बीच में लिख के क्या करोगी, आखिर वहाँ हम चलेंगे पैर से तुम्हारा नाम दब जाएगा। हम बोरा डाल दो, चलो भगवान चलो नाम बनाओ वहाँ जो सब लोग देखें। मेरे घर के जस्ट सामने ये है 4 मंजिला बिल्डिंग। मुझे दिक्कत इस बिल्डिंग से थी क्योंकि यहाँ से सब चीज़ दिखता था, तो मुझे ऐसे छत पे इस तरह से फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता था, तो फिर मैंने यहाँ पे डाल दिए बाउंड्री, अब हो जाएगा बिल्कुल आड़। तो दोस्तों शाम के 6 बज गए हैं और हम दूध लेके आ गए हैं, वीडियो एडिट करके अपलोड कर रहे हैं, अपलोड नहीं हो रहा है। आज देखिए वीडियो कब तक अपलोड होता है, इंतज़ार कर रहे थे हम, पापा का फ़ोन आ रहा है हॉस्पिटल से जाने के लिए डॉक्टर को दिखाने के लिए। थक गया यार, हमको लग रहा है एक दिन में हम 10 किलोमीटर चलते होंगे, पुल अप डाउन दौड़ धूप लेके ऊपर नीचे से। तो हम आ गए फिर से दवाई हॉस्पिटल दवाई लेने के लिए। हाँ बोला, मार्केट में वाला तो दोस्तों डॉक्टर से हम मिल लिए हैं और ये है हमारी दवा। आज जो हमारी दवा डॉक्टर लिखे हैं वो है 2500 की दवा लिख दिए हैं, तो अभी दवा के बारे में अब मैं बाद में आप लोग को बताऊंगी। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, बहुत दौड़ भाग करके थक जाते हैं, इसके बाद हमने कोई वीडियो नहीं शूट किए,
तो उम्मीद है हमारा आज का ब्लॉग आपको जरूर पसंद आया होगा। फिर ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर। आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए।